वास्तु एक ऐसा कंसेप्ट जिस पे बहुत दुनिया बात कर रही है, बहुत दुनिया बोल रही है। आप लोगों को पता है ये वास्तु कैसे काम करती है, क्या पैरामीटर्स हैं इसके हमारे जीवन में काम करने के? आओ हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ एक सिंपल स्टेप से। सबसे पहले तो हमें जैसे मालूम ही है जो नॉर्थ है हमारा वो मैग्नेटिक पोल है और जो ईस्ट है वो इलेक्ट्रिक पोल है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से हमें रेज अंदर आती हैं जो कि हमारे घर पे मूव करती हैं, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू फिर अगेन नॉर्थ ईस्ट, ये मूविंग होती है उनकी। आपने पुराने घर देखे होंगे, वो सारे साइडों पे बने हुए होते थे और सेंटर में ओपन होते थे। वो लोग बहुत ही बुद्धिमान थे, वो हमेशा घर को चाहते थे भी ये घर हमारा जहाँ से सूरज निकलते हैं, उदय होते हैं, उस तरफ को इसका फेस हो। हमेशा वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही जल का स्रोत रखते थे, पानी नॉर्थ ईस्ट में ही रखते थे वो, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में यूवी रेज फिक्स होती हैं, जिनको डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं भी अगर आप वो वाली रेज अपने शरीर के ऊपर लेते हो तो वो बहुत ही अच्छी हैं। साउथ वेस्ट में आते आते ये रेज की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो हमारे शरीर को ख़राब करती है। वास्तु में भी सिंपल यही कहा गया है भी आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को हैवी रखें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को लाइट रखें। इसका ये आर्किटेक्चर वे है वास्तु का। पहली बात आपको समझ लगी भी नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर से हमारी रेज अंदर आती हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें, आपने एक एमएपैथी थ्योरी सुनी होगी साइंस में, उसका रिलेशन वास्तु से कैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारे इस सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है सूर्य। सूर्य की जो चक्कर लगा रहे हैं वो सारे ही पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब इसके इर्द गिर्द राउंड निकाल रहे हैं। हम एक दूसरे से सभी बंधे हुए हैं। मान लीजिए एमएपैथी थ्योरी के अनुसार हम दो बच्चों को, जो ट्विंस बच्चे हों, जो एक ही अंडाकोश से पैदा हुए हों, उनको हम दो अंधेरे कमरों में अलग अलग बंद कर दें और उनको कहें भी अपने विचार लिखिए, वो पेपर के ऊपर अपने विचार लिखेंगे, आप देखेंगे उनके सिमिलर विचार मिलते होंगे आपस में 80-90%। जैसे हम कहते हैं ना भी एक बेटी जो है वो अपनी मदर पे जरूर होती है और वो अपनी नानी पे भी जरूर होती है। क्यों? हेरिडिटरी हमारा चलता आ रहा है, तो हमारे एक दूसरे से संबंध है, तो हम सूर्य से कनेक्टेड हैं, तो वही रेज हमारे घर पे वास्तु में भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ट्रीज रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट अमेरिका में प्रोफेसर ए ई डॉगलस ने एक ट्रीज के ऊपर रिसर्च की जिसमें उन्होंने देखा भी जो ट्रीज होते हैं वो हर एक साल के बाद एक रिंग बनाते हैं अपना, 11 साल बाद भी एक रिंग बनाते हैं और 90-100 ईयर्स में भी एक रिंग बनाते हैं। वो रिंग उनकी एज भी डिसाइड करता है, वो ट्री है वो कितने साल पुराना है, और साथ में वो ये भी पता लगता है उससे भी जब सूरज पे कोई रेडियो एक्टिविटी होती है, ट्रीज इतने संवेदनशील होते हैं वो अपने ऊपर एक कवर बनाते हैं। तो ये कवर हमें ये शो करता है भी ये कनेक्टिविटी हमारी सन के साथ, पृथ्वी के साथ और ट्रीज के साथ कनेक्टिविटी है सारी हमारी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप जिस रूम में भी आप बैठे हैं, यहाँ पे FM जिसको हम रेडियो बोलते हैं उसकी रेज आ रही हैं। आप चाहे ट्रांजिस्टर को, रेडियो को, FM को ऑन करें ना करें, लेकिन उसकी रेज तो आ ही रही हैं। जब आप उसे ऑन करेंगे तो उसमें से वॉयस आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही सूरज की किरणें और ये वास्तु का प्रभाव हर एक बंदे पे पड़ रहा है, हर एक पर्सन पे पड़ रहा है। डिपेंड आपके ऊपर करता है भी आपने वो अपना FM ऑन किया है कि नहीं किया। लास्ट पॉइंट जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, हमारे कर्मरूपी जीवन में जो हमारे कर्म है इसमें हमें गाड़ियां मिल रखी हैं, किसी को होंडा सिटी मिली है, किसी को फरारी मिली है, किसी को BMW मिली है, हर तरह की गाड़ी हमें मिली हुई है जीवन में। हम सब ने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लुधियाना से दिल्ली जाना है, अगर हमारी मारुति कार के चारों टायर्स में हवा फुल होगी तो हम वेरी इजीली अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे, और वही अगर फरारी के टायर्स में टायर्स पंचर हो या फिर उनके टायर्स में हवा ना हो तो हम किसी भी कीमत पे दिल्ली टाइम पे नहीं पहुंच सकते। वास्तु का भी यही मीनिंग है, ये आपकी जर्नी को, लाइफ जर्नी को वेरी इजी बना देती है। हम ये नहीं कह रहे भी मारुति कार को फरारी बना देगी, लेकिन हाँ आपके जीवन में छोटी छोटी चेंजेस आपको कहीं ऊपर तक लेके जाने में वेरी कंफर्टेबल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से वास्तु तो हर एक बंदे को करनी चाहिए, करवानी चाहिए, घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की, बहुत जरूरी है इसको करना।